वज़ीर-ए-आज़म आज गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का बाज़ाब्ता करेंगे आगाज़। ये इवेंट अब तक मुनाकिद होने वाली इंडियन डिफेंस एक्सपो में सबसे बड़ी शिरकत का बनेगा गवाह। पाथ टू प्राइड है इस दिफाई नुमाइश का थीम। पीएम मोदी आज गुजरात में कई तरक्याती कामों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। अडलज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का करेंगे इफ्तिताह। जूनागढ़ और राजकोट को तरक्की का देंगे तोहफा। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का भी करेंगे इफ्तिताह। तालीम और सलाहियत साजी के फरोग के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान स्कूली तालीम आला तालीम और सलाहियत साजी के फरोग के लिए कौमी क्रेडिट फ्रेमवर्क पर अवामी मुशावरत का करेंगे आगाज़। ये क्रेडिट फ्रेमवर्क तालीमी और तिजारती डोमेंस के मुख्तलिफ हिस्सों के इंतजाम के साथ साथ दोनों के दरमियान लचक और नकलो हरकत को बनाएगा यकीनी। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भारत के सरकारी दौरे पर। दौरे के पहले दिन मुंबई में 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को पेश करेंगे खराज अकीदत। आईआईटी मुंबई में भारत के 75 साल अक़्वामे मुत्तहिदा भारत शराकत जुनूब तआवुन को मजबूत बनाने के मौजू पर करेंगे खिताब। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कोलिबिया ने कॉमिकेंस ड्रोन हमले के बाद पेश की ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ने की तजवीज़। दूसरी जानिब ईरान ने रूस को मजीद ड्रोन्स और ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल फराहम करने का किया वादा। आईसीसी 20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से, जबकि टूर्नामेंट में क्वालिफाइंग राउंड का पहला मैच आज आयरलैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान। वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे दूसरे क्वालिफायर में एक दूसरे का करेंगे सामना। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों में नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दो रोज़ा दौरे पर होंगे। गुजरात को तरक्याती तोहफा देने के अमल को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी 15,670 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। पीएम मोदी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही वो अडालिज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का आगाज़ करेंगे। ये मिशन रियासत में स्कूल के बुनियादी ढांचे के मजमूई अपग्रेडेशन के जरिए तालीमी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मदद करेगा। पीएम मोदी बाद में जूनागढ़ में तकरीबन 3,580 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। इनमें मसंग लेंग के तामीर के साथ साथ कोस्टल हाईवेज के बेहतर कारी का संगे बुनियाद भी शामिल है। वज़ीर आज़म जूनागढ़ में पानी की फराहमी के दो प्रोजेक्टों और ज़रई पैदावार का ज़खीरा करने के लिए एक गोदाम कॉम्प्लेक्स की तामीर का संगे बुनियाद रखेंगे। पीएम मोदी आज शाम राजकोट में तकरीबन 5,860 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वो इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए 1100 से ज़ायद घरों का इफ्तिताह करेंगे। इन मकानात की चाबियां भी मुस्तहकीन के हवाले कर दी जाएंगी। पीएम मोदी इलाकाई साइंस सेंटर को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर आज़म गुजरात में कौमी शाहरा 27 के राजकोट गोंडल जैतपुर सेक्शन के मौजूदा 4 लेनिंग को 6 लेनिंग में तब्दील करने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे गुजरात के दूसरे दिन जुमेरात को कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे और साथ ही मोरबी, राजकोट, बोटाद, जामनगर और कच्छ के मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 2,950 करोड़ रुपए की IDC इंडस्ट्रियल इस्टेट का संगे बुनियाद भी रखेंगे।
जिन दीगर प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा जाएगा उनमें घटका में अमूल फीड डेयरी प्लांट, राजकोट में एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर, दो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और सड़कों और रेलवे सेक्टर के दीगर प्रोजेक्ट शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे गुजरात के दूसरे दिन जुमेरात को कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। और मरकजी वजीर बराए तालीम और फरोग हुनरमंदी धर्मेंद्र प्रधान आज से कौमी क्रेडिट फ्रेमवर्क पर अवामी मुशावरत शुरू करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कल स्कूली तालीम, आला तालीम और हुनरमंदी के लिए कौमी क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करने वाली कमेटी के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर अवामी मुशावरत का अमल शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये क्रेडिट फ्रेमवर्क तालीमी और कारोबारी डोमेन सीखने के अज्जा के इंजमाम को अमल में लाएगा और दोनों के दरमियान लचक और नकलो हरकत को यकीनी बनाएगा। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के चांदनी चौक से स्वच्छ भारत 2022 के तहत मेगा सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया। इसका मकसद स्वच्छ भारत 2022 की कोशिशों को मजबूत करना और मुल्क भर के तमाम देहातों में इसी तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करके इस मुहिम में आवाम की शिरकत को यकीनी बनाने की सरगर्मियों को तेज़ करना है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने प्रोग्राम से खताब करते हुए शहरियों से सफाई के लिए मुतहिद हो जाने का मुतालबा किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ भारत के बगैर न्यू इंडिया का तस्वीर नहीं किया जा सकता। तो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जन भागीदारी से जन आंदोलन, युवा की भागीदारी के बिना अधूरी है, और जब हम नए भारत की कल्पना करते हैं तो स्वच्छ भारत के बिना नए भारत हो ही नहीं सकता। अब एक है कि विभाग कहता है कि हम स्वयं करते हैं, क्या हम क्लीन इंडिया के एम्बेसडर बन सकते हैं? इससे आपकी भी पहचान बनेगी, आपका क्षेत्र स्वच्छ बनेगा। और कई बार क्या है, हम लोग स्वयं तो स्वच्छता करते हैं, झाड़ू उठा के चलेंगे, बोरी उठा के चलेंगे, प्लास्टिक इकट्ठा करेंगे, लेकिन जनता की भागीदारी नहीं करते हैं। भारत को एक बार फिर बैन अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद का सदर और फ्रांस को शरीक सदर मुंतखब किया गया है। दरअल हुकूमत नई दिल्ली में 5वीं बैन अल-अक़वामी सोलर अलायंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 17 से 20 अक्टूबर तक होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 110 ममालिक ने शिरकत की है और इन ममालिक ने फ्रेमवर्क पर दस्तखत भी किए हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया के 700 मिलियन लोगों को बिजली फराहम करना है जो अभी तक बिजली तक रसाई नहीं रखते, और वो भी सब्ज और साफ तवानाई के जरिए। कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे की मदद और बाहमी तआवुन पर भी बात होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और दुनिया भर में तवानाई के बहरान को जिस तरह देखा जा रहा है, उसे सब्ज तवानाई की इफादियत और तलब में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सोलर अलायंस पर मुनक्किद होने वाली ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। कांग्रेस सदर के इंतखाब के लिए वोटों की गिनती आज होगी। वोटों की गिनती सुबह 10 बजे AICC हेडक्वार्टर में शुरू होगी, जिसके बाद नए सदर के नाम का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के दरमियान सीधा मुकाबला है। 17 अक्टूबर को होने वाले इंतखाब में कांग्रेस पार्टी के 9,900 मंदुबीन में से 9,500 ने वोट दिया था। 24 साल के बाद ये पहला मौका है जब पार्टी को गांधी खानदान के बाहर से सदर मिलेगा। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्डों की हदबंदी से मुतालिक पेश की गई हतमी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। वजारती दाखिले की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 250 वार्डों की हदबंदी का काम मुकम्मल हो गया है। पहले तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों में 272 वार्ड थे, अब दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 42 वार्ड दर्ज फहरिस्त जातों के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये हदबंदी 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर की गई है। कबलजी मरकज ने 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को जम करने का फैसला किया था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हदबंदी के बाद अब इंतखाबात का रास्ता साफ हो गया है।
नाज़रीन, किसी भूखे इंसान को खाना खिलाने से दिल को जो सुकून मिलता है वो नाकाबिले बयान है। इसी खैरख्वाही के जज्बे का एहसास दिलाने वाली ये खबर इंदौर से है, जहां एक शख्स ने फूड स्टॉल की शुरुआत सिर्फ इसलिए की है कि वो काफ़ी सस्ते हैं और मुफ्त में लोगों को खाना खिला सके। देखिए ये नहायत और दिलचस्प रिपोर्ट। यह है शिवम सोनी का हंगर लंगर, जहां आपको सिर्फ 10 रुपए में मुख्तलिफ अकसाम का मज़ेदार और गजाइत से भरपूर खाना मिल सकता है, और जो लोग 10 रुपए भी नहीं दे सकते वो उन्हें मुफ्त में ही खाना खिलाते हैं। दरअसल शिवम को लॉकडाउन के दौरान गजा की बहरान का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक लोगों के दिए बिस्किट खाकर गुजारा किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि लोगों को खाने पीने में काफी परेशानी हो रही है। कई बार खुदकुशी का ख्याल भी आया, लेकिन शिवम ने इस सोच को झटक दिया और लोगों को इस सूरत हाल का सामना न करना पड़े इसके लिए उन्होंने हंगर लंगर की शुरुआत कर दी। इसके बाद कोई दूसरा ख्याल नहीं आया, सिर्फ गरीबों के लिए कम कीमत पर लजीज खाना उन्होंने तैयार किया। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि मैं कुछ पैसे लेके नहीं आया था घर से, 400-500 रुपए कुछ रखा था, तो उसमें हमने एक दो दिन सर्वाइव किया जैसे तैसे बिस्किट वगैरह खा के, और फिर हमको खाने की थोड़ी मुश्किलात आने लगी। तभी जाके हमको इंदौर वासियों ने खाना प्रोवाइड किया, ये अच्छा अच्छा खाना हमको ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में प्रोवाइड किया गया, तो एक एक इंस्पिरेशन है वो चीज़ मेरे लिए, कि उससे मैंने इंस्पायर होके सोचा कि इंदौर के लिए या फिर यहाँ के बच्चों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया है, जिसकी वजह से मैं सरवाइव किया हूँ इस क्षेत्र में, तो उससे रिलेटेड मैं खाने से रिलेटेड ऐसा कोई काम करूँ जो उनके लिए कम दामों में अच्छा खाना, अच्छे वैरायटीज़ का खाना जो बाज़ार में 40 या 50 या काफ़ी तेज़ रेटों में मिलता है, जो आम तौर पर कोई आदमी अपने रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाता है। जॉब करता हूँ मैं यहाँ पे, और खाना तो बहुत टेस्टी है और रेट भी बहुत रिजनेबल है, जिसमें हो जाता है सबका। इंदौर में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि बाहर के जो विद्यार्थी आते हैं और उनको एक रीज़नेबल रेट में नाश्ता मिल सके, उसके लिए इंदौर में एकमात्र जो संस्था है वो है हंगर लंगर, जहाँ 10 रुपए में आपको इतना भरपूर नाश्ता मिल जाता है कि आप अपना पेट भर के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। शिवम रोजाना सुबह 4:30 बजे उठते हैं, सब्जियां और सामान लाते हैं, फिर खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना हंगर लंगर। उनका मानना है कि इस लंगर को खड़ा करने में उनके भाई, माँ और दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। खास बात यह है कि शिवम इस लंगर की कमाई का कोई पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते, बल्कि लंगर को मजीद बेहतर तरीके से चलाने के लिए उसी पर ही खर्च कर देते हैं। हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीने से जो इत्मीनान मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आज मुंबई में 26/11 के दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश करेंगे। वो IIT मुंबई में भारत के 75 साल अक्वामे मुत्तहिदा भारत शराकत दारी जनूब जनूब तआवुन को मजबूत बनाना के मौजू पर एक तकरीर भी करेंगे। एंटोनियो गुटेरेस अपने दौरे के तीसरे और आखिरी दिन गुजरात में कई तकरीबात में शिरकत करेंगे। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कोलिबा ने कॉमिकॉन्स ड्रोन हमले के बाद ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ने की तजवीज़ पेश की है। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि अगर रूसी हमलों में ईरानी ड्रोन इस्तेमाल किए गए तो ईरान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की जा रही है। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में रूसी जारहियत के खतरे से बचने के लिए ईरान पर पाबंदियां आयद करें।
और यूनिसेफ के तर्जुमान ने मंगल के रोज कहा कि सोमालिया में खुश्क साली से लाखों लोगों की हलाकत का खतरा है। ऐसा कहत नसव सदी में नहीं देखा गया। मुल्क में खुश्क साली के बाईस सैकड़ों माएँ और बच्चे बेसहारा हैं। दारुलहकूमत मोगादिशो के बिना पर अस्पताल के डॉक्टर गजाई किल्लत की वजह से दाखिल होने वाले बच्चों की तादाद से परेशान हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस साल मुल्क में सूरत हाल 2011 के कहत जैसी नजर आ रही है और ये 2017 की खुश्क साली से भी बदतर है। अक्वामे मुत्तहदा ने सितंबर के अवाइल में खबरदार किया था कि सोमालिया के दो अजला अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान कहत का शिकार हो सकते हैं। सोमालिया में 5 लाख से ज्यादा बच्चे गजाई किल्लत के सबब मौत के खतरे से दो चार हैं। और नाजरीन, अब आइए एक नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाजरीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल इंटरपोल के रुकन ममालिक के पुलिस नुमाइंदों से बातचीत की है। और अखबार ने जो सुर्खी लगाई है वो है कि दहशतगर्दी साइबर मालियाती जराइम पर कार्रवाई करे इंटरपोल। ये कहना है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। और साथ ही जब खतरात आलमी हों तो जवाबी कार्रवाई से मकामी सतह तक महदूद नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कल ये बात कही है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की एक और सुर्खी पर। आपको बता दें कि गुजरात में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और गुजरात की 1000 कंपनियों ने इलेक्शन कमीशन से एक मुआहदा किया है और इसके तहत इंतखाबात में छुट्टी लेने पर वोट नहीं दिया तो नोटिस बोर्ड पर नाम को चस्पा कर दिया जाएगा, यानी सबको पता चल जाएगा कि वोट डाला है या नहीं डाला है और वोट न डालने वालों पर भी नज़र रखी जाएगी। और गुजरात की ये 1000 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ ये मुआहदा किया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर। दिफाई नुमाइश में भारत ने अमन सलामती इस्तेकाम तरक्की और खुशहाली के मौजूद पर बात की है और इसके लिए अखबार ने जो सुर्खी लगाई है वो ये है कि हिंदुस्तान अफ्रीकी ममालिक की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये बात कही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 12वीं दिफाई नुमाइश के मौके पर दूसरे इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग में जो खिताब किया है उस पर उन्होंने कहा है कि सभी मौजूदात पर न सिर्फ बातचीत की जाएगी बल्कि लाहे अमल पर भी बातचीत होगी कि किस तरह से इस पर काम किया जा सकता है। और आई नाजरीन, अब नज़र डालते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, केदारनाथ ग्रोट चिट्टी में हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हो चुका है और पायलट समेत 7 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम अपना काम बहुत मुस्तैदी के साथ इस वक्त अंजाम दे रही है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। राजधानी में डेंगू की रफ्तार बहुत तेज़ बताई जा रही है, मुतासरीन की तादाद 1572 बताई गई है। और आपको बता दें कि वाकई दिल्ली में, अगर दिल्ली की ही बात की जाए तो डेंगू तेज़ी से फैल रहा है, एहतियात की सख्त ज़रूरत है और इंतज़ामिया की जानिब से वैसे फॉगिंग का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा खबरें पर। रोज़नामा खबरें की सुर्खी है, हिंदुस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले अपने फाइनल मैच वार्म अप के लिए बिल्कुल तैयार है और आज दोपहर 1:30 बजे हिंदुस्तान न्यूजीलैंड वार्म अप मैच खेला जाएगा। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर। कुवैत हुकूमत ने नई काबीना का ऐलान कर दिया है। कुवैत में सितंबर में पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, कुवैत में हुकूमती तनाज़ियात थे, फ़िलहाल नई काबीना का ऐलान किया जा चुका है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा। और अब आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। नाज़रीन, शिप्सी एक ऐसा नाम जिसने लॉजिस्टिक्स सेक्टर में नुमाया काम किया है। ये लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर हल फराहम करने वाली एक मारूफ कंपनी है जिसके गाहक बहुत सी बड़ी पिज़्ज़ा चेन्स और ऑन डिमांड डिलीवरी कंपनियाँ हैं। शिप्सी को साल 2021 का नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी मिला है। आइए देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट।
शिप्सी एक अहम लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर का हल फराहम करने वाली कंपनी है जो अपने स्मार्ट ग्लोबल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ पेशों के फरोग में तेजी लाने, लागत को मुनज्जम करने और गाहक के तजुर्बों को बढ़ाने के लिए तिजारत और लॉजिस्टिक को संभालने वाली तंजीमों को मजबूत बनाती है। 90% ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू वो कंटेनर में कभी किसी पॉइंट में किसी शेप और फॉर्म में वो कंटेनर के थ्रू भी आया है। डेटा का विजिबिलिटी नहीं था, द प्रैक्टिसेस बहुत पुराने तरह से चल रहा था सब कुछ, बट ई कॉमर्स जो है उसके लिए आपको बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए उसके, जिससे कि आपका एंड कस्टमर जिसके डिमांड्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है हर दिन, हमें चीज़ें फास्ट चाहिए, हमें कम प्राइस पे चाहिए, वी रियलाइज कि देयर इज़ अ गैप इन दिस इंडस्ट्री एंड वी कैन रियली क्रिएट गुड वैल्यू। शिप्सी के पास मैन्युफैक्चरिंग, खुर्दा, एक्सप्रेस पार्सल खिदमात फराहम करने वाले और ऑन डिमांड डिलीवरी मुहैया कराने वाले 170 से ज्यादा गाहक हैं, जिसमें टायर की बड़ी कंपनी, दुनिया की बड़ी पिज्जा डिलीवरी चेन, भारत की बड़ी एक्सप्रेस पार्सल खिदमात मुहैया कराने वाली कंपनियाँ शामिल हैं। सारे शिपिंग मोड्स, आपका सेम डे डिलीवरी हो गया, जो फूड डिलीवरी या फार्मेसी या ग्रोसरी होता है हम वो भी करते हैं, आपका जो नॉर्मल पार्सल डिलीवरी होता है ई कॉमर्स के लिए आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, या आप जो इंटरनेशनल मूवमेंट होता है गुड्स का, जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स होते हैं उनका जो कंटेनर में सामान मूव होता है या बड़े शिप्स में सामान मूव होता है हम वो भी करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट शिप्सी। शिप्सी का जदीद बिना सेटअप वाला इंस्टेंट एक्सेस कंटेनर ट्रैकिंग ऐप तजारतों को एक ही डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके दुनिया भर में बड़ी शिपमेंट को ट्रैक करने की सहूलत फराहम कराता है। स्टार्टअप के बानी का कहना है कि ये सब एक वक्फ टीम के बगैर मुमकिन नहीं था। हमारा विजन ये, हम चाहते हैं कि जो भी एंड कस्टमर को डिलीवरीज, जो भी आज नए मॉडल्स ऑफ डिलीवरीज आ रहे हैं उसमें शिप्सी से पावर्ड हों। तो अभी भी शिप्सी के थ्रू 25 लाख से 30 लाख के डिलीवरीज एक दिन में मैनेज होते हैं अक्रॉस वेरियस बिजनेसेस, वेरियस कंट्रीज। वी वांट मोर एंड मोर कस्टमर्स एंड बिजनेसेस टू लेवरेज, यूज द टेक्नोलॉजी हमारा, एंड देन एंड कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर हो, लॉजिस्टिक्स सस्टेनेबल बने। शिप्सी ने दुबई और इंडोनेशिया में अपने दफातर खोले हैं और अब इस स्टार्टअप का मंसूबा अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में भी दफातर कायम करने का है। जिस हिसाब से मुल्क और गैर मुल्क में शिप्सी के ग्राहकों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये इस बात का सबूत है कि शिप्सी तेजी के साथ तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। और ऑस्ट्रेलिया में जारी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कबल भारतीय टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेलेगी। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला वार्म अप मैच जीता था, ऐसे में टीम ये दूसरा मैच जीतकर अपनी फॉर्म बरकरार रखने की कोशिश करेगी। आज खेले जाने वाले दूसरे वार्म अप मैच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी, जबकि एक और वार्म अप मैच में बांग्लादेश का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सर्विसेज के भाला फेंक खिलाड़ी मनु ने जैवलिन थ्रो में तलाई तमगा जीता। कौमी खेलों में तलाई तमगा जीतने वाले मनु ने इस मुकाबले में 81.23 मीटर के बेहतरीन थ्रो के साथ तलाई तमगा हासिल किया। इस इवेंट का चांदी का तमगा साबिक कौमी चैंपियन रोहित यादव के हिस्से में आया, जबकि किशोर कुमार जेना ने कांसे का तमगा हासिल किया। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में मंगल का दिन भारतीय निशानेबाजों के नाम रहा। मुकाबले के एयर राइफल टीम इवेंट में दिव्यांश विद्युत और रविशंकर ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि खवातीन के एयर राइफल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल तलोतमा, नैन्सी और रमिता के हिस्से में आया। इसके साथ ही 10 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारतीय खवातीन टीम ने गोल्ड मेडल को निशाना बनाया, जबकि 25 मीटर रैपिड फायर टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने कांसे का तमगा जीता।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफायर मैच खेले जा रहे हैं। ग्रुप बी में आज आयरलैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज को शिकस्त देने के बाद पुरएतमाद स्कॉटलैंड की टीम ये मैच जीतकर सुपर 12 के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेगी। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना इफ्तिताही मैच हारने वाली आयरलैंड जीत के ट्रैक पर वापस आने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड के 8वें मैच में आज वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें आमने सामने होंगी। क्वालिफाइंग राउंड में स्कॉटलैंड के खिलाफ पहला मैच 42 रन से हारने के बाद वेस्टइंडीज दबाव में है। ऐसी सूरत हाल में एक और शिकस्त वेस्टइंडीज के सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई करने के इम्कान खत्म कर देगी। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे आयरलैंड के खिलाफ पहला मैच 31 रन से जीतने के बाद काफी पुरजोश है। जिम्बाब्वे ग्रुप मरहले का दूसरा मैच जीतकर सुपर 12 के लिए अपना दावा मजीद मजबूत करना चाहेगा। और अब नाजरीन मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और नाजरीन अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुख्सत होने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जाते हैं पेरिस में ऑटो शो की झलकियों के साथ, जिसमें हर कोई कारों की खूबसूरती से हैरत सदा है। आप इनसे महसूस हों और हमें यही इजाज़त दें। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।